तो दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, एम एस सोसाइटी, फ्रॉम ऑल गुजरात स्टूडेंट्स यूनियन, ए जी एस यू, सेकेंड ईयर बी कॉम, सेमेस्टर फोर की एक्सटर्नल एग्जाम चल रही है। रेगुलर स्टूडेंट्स और एटी के डी के जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम दे रहे हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि कल ई एस बी एम सब्जेक्ट का पेपर है और उसके बाद आप सभी के जो ऑप्शनल पेपर है वो स्टार्ट होंगे। ऑप्शनल पेपर 2 मई और 3 मई को है, यानी कि 2 ऑप्शनल पेपर है, 2 मई और 3 मई को। इन ऑप्शनल पेपर के लिए जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो चेंज होगी। मैं आप सभी को बता दूं कि हर एक बिल्डिंग पर और हर एक फैकल्टी में जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर आया हुआ है, जो भी एग्जामिनेशन वेन्यू है, यानी कि आपने स्टार्टिंग के जो 5 पेपर जिस एग्जाम सेंटर पर दिए, बाकी के 2 पेपर भी आपको उसी एग्जाम सेंटर पर जाके देने हैं। सिर्फ और सिर्फ आपका जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो चेंज होगा, सीट नंबर वही रहेगा। सीटिंग अरेंजमेंट यानी कि जो ब्लॉक में आपने 5 पेपर दिए हैं अभी तक, शायद आने वाले 2 पेपर में वो ब्लॉक आपका ना हो, शायद ब्लॉक चेंज हो, तो वो जो सिटिंग अरेंजमेंट है, कल जैसे ई एस बी एम का पेपर जो है वो फिनिश होगा, उसके बाद आप जैसे ही उतरोगे एग्जामिनेशन सेंटर के नीचे या फिर बाहर, तो आपको नोटिस बोर्ड पर जो 2 मई को 2 मई को पेपर है उसका जो सिटिंग अरेंजमेंट है आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग फोटो क्लिक कर लेना, और 2 मई और 3 मई यानी दोनों दिन जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो चेंज होगी। एक बात मैं वापस क्लियर कर दे रहा हूँ, एग्जाम सेंटर वही रहेगा, एग्जामिनेशन वेन्यू वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट चेंज होगी, जिसके अंदर आपका ब्लॉक जो नंबर है वो चेंज हो सकता है। तो ई एस बी एम पेपर फिनिश होने के बाद आप ये देख सकोगे। नमस्ते।